आई लव बाई हार्ट, यही तो कहते राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं जो है आपकी लीला को नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं माई पुरुष है प्रभु, लेकिन क्या करूँ, अब मेरा बस नहीं था। ये पत्नी का विषय था, भगवान मुझ पर क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। और कहा है प्रभु, अब मैं आपकी शरण में ही होकर रहूँगा। और कहा ले ये धन संपत्ति लेकर तो आराम कर, सुख जीवन करो। और मैं चला। तो हर जगह यही जो 18 अध्याय के शुरुआत आ रहे हैं, अन्य चेता सत्वम हेमाम ईश्वर नित्य सा प्रत्याम सुरभा पार्श नित्य युक्त योगिना। अनन्य चेता सत्वम, निरंतर भगवान ही आप हमारे हैं, ऐसे जो चित्त में चिंतन करता रहता है तो तस्याहम सुरभा पार्थ है। हे अर्जुन, मैं उसी में सुलभ हूँ। कहते भगवान कैसे मिलते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सुलभ हूँ, मेरा चिंतन तो करें। मेरा कोई चिंतन ही नहीं करता, और चिंतन करता है संसार करता है। और कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, ड्रामा करता है। इसे चिंतन होता नहीं, मेरा चिंतन करे, समर्पित हो चिंतन करे। तस्याहम सुलभा, मैं सुलभ हूँ। पार्थ स्वयं भगवान की बात है, हर जगह यही कहा है। अनन्या चिंतन तुम ये जना पर चाहते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम भाव ने, हम ये भी कहा तेषा सतत युक्ता नाम भजताम पूर्ति प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपांते हम मैं कैसे प्राप्त होता है, ये भी सुन लो। तो जो हमारा चिंतन करते हैं, चित्त से चिंतन किया जाता है, चित्त भगवानमय है, उनका चिंतन हो रहा है, संसार के यावत कार्य हो रहे हैं, संसार का व्यवहार हो रहा है, लेकिन मूल रूप से जो चिंतन हो वो भगवत भगवान के चरणों में लगा हुआ। तो मैं करता क्या हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ते, मैं उनके मन को अपने चरणों में लगा लेता हूँ। चरणों में लगाते हैं, जब चरणों में भगवान मन भगवान के चरणों में लग गया, और मनो मनुषाराम कारण बंध मोक्ष है, बिंद सूत्र में आया, मन ही मन मनुष्य का कारण और बंधन मोक्ष का कारण है। यदि मन जहाँ आप गत चित्र लगा देंगे वहाँ को सफलता। और भगवान के जो रूप में ध्यान में सब कुछ मन लगा देंगे तो वही पर आनंदित हो जाएंगे। कल परसों बैठे थे, कल साइज हुआ आए माधव जी, मैं तो बैठा था, मैं तो पद आए थे बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि कितना पद्मासन आप लगा लेते हैं। हम कहा पद्मासन तो कम जितना लग जाता लगता है, हम कहा थोड़ा प्रयास करते हैं, 2 घंटा बैठे पद्मासन में। और जैसा ये अपने अभी आए रहते हैं तो दिख रहा है। तो इसके बाद में वो माधव जी आए और हम तो जो पद्मा, तो जब भगवान के सामने आप होंगे तो वृत्ति आपकी भगवानमय होगी। जब भगवानमय होगी स्वाभाविक आपके नेत्र बंद होंगे और भगवान की जो मूर्ति है आप हृदय में आस्वाद करेंगे। ये भगवान का दर्शन है, वहाँ भगवान को देखेंगे नहीं। तो उन्होंने हमसे तो नहीं कहा, चाहे बुझो समझ चाहे जो, उनसे कहा अरे भगवान के सामने बैठे हो, आँखें मूंद के बैठे हो, हम समझ गए कुछ नहीं। तो इसी तरह क्योंकि श्रुति जी भी तो ऐसे ही किया। जब भगवान ने जो उनके अंतर्वृत्ति को अपने स्वरूप को हटाया, अपने मूर्ति की अंतर्वृत्ति को हटाया, तब उनको ज्ञान दिया कि परमात्मा तब खड़े रहे, कहते रहे अरे श्रुति जी भक्तवत्सल मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, चिल्लाओ क्या है, तुम तो हमारे गुआ में विराज रहे, मस्त रहे। जब भगवान ने खींचा है अपने स्वरूप को, तब सतीश अरे प्रभु चरण गिरे। वैसी तो यही अपने हृदय गुहा में, क्योंकि सबसे प्रिय स्थान, प्रेम का स्थान, कोमल स्थान
ध्रुव जी ने भी तो वही किया था, सब चले गया। हमने कहा आई हर्ट माई आई लव माई हर्ट, यही तो कहते जानते रहते हैं। तुरुची ने तो चैलेंज दे दिया राम को, आप सुंदर काल में दूसरा श्लोक है, चैलेंज दे दिया भगवान राम को, भक्त चैलेंज दे, और भक्त चैलेंज देता है भगवान को, देगा क्यों नहीं, अपना तो है ना, वो तो चैलेंज देता है प्रभु, तुम हमारे हो तो तुमको चैलेंज क्यों नहीं देंगे, जब मैं दूसरे का नहीं हूँ, मैं आपका हूँ, जब आपका हूँ तो चैलेंज दूंगा आपको। हर भक्त ने चैलेंज दिया है, भगवान को चैलेंज मानना पड़ेगा, मना के स्वीकार करना पड़ा है। हाथ छुड़ाई जात हो, अरे हर जगह निबल जान के मुई, और हृदय से जो जाओगे तो बलि कहूंगो तो भगवान वो दूसरे अध्याय को अब दूसरे श्लोक को चल सुंदर कांड के नान्यास प्रिया रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरामे कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च। जब भगवान रुद्र की परम भक्ति जब प्राप्त हुई, भगवान माता पिता वो तो हनुमान जी विफल हो जाते थे, परमात्मा राम की जब परम भक्ति प्राप्त हुई, माता सीता की परम भक्ति प्राप्त हुई, अजान हमारे गोने से तो चुको प्रतिकार करो का तोड़ा सन्मुख हो न सकत मोरा। गोस्वामी जी इस लिखने के लिए तो ये तो उन्होंने कहा मैं भी टटोलूँ जरा, मैं भी तो भक्त हूँ, एक भक्त को तो आपने कह दिया अजान हमारे गोने से तो ऐसे हो गया, तो मैं भी टटोलूँ कि मैं किसी स्थिति में हूँ प्रभु। तो उन्होंने कहा इस अकिंचन भक्ति की ओर आप ध्यान दे, हे प्रभु मेरी भी कोई इच्छा नहीं है, आपने तो जो है परम वैष्णवाचार हनुमान जी के तो सब कुछ दे दिया है, और मेरे लिए तो नृगुपते हृदय स्वदीये मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं है प्रभु, नहीं इच्छा है प्रभु, सत्य बोलता हूँ। भगवान ने कहा तुम्हारी सत्ता कब क्या पता, तुम सत्य बोलते हो झूठ बोलते हो, तो नहीं मानता हूँ सत्य बोलते कहा प्रभु आप ऐसे कहते सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा, संपूर्ण प्राणियों के हृदय गुहा बैठे हुए अब बताओ सत्य बोलता हूँ झूठ। भगवान मुस्कुराए तो आप सत्य बोलते सत्य, कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, हृदय से कहता हूँ क्यों हृदय से कहता हूँ ईश्वरासुर भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय जो हम आप विद्यमान हैं इसलिए हृदय गुहा की पुकार आपसे जो सत्य बोलता हूँ भगवान आप सत्य बोलते हो, तो आप चाहते क्या हो, भक्ति प्रयक्ष अभी तक मांगा नहीं है लेकिन अब मांग रहा हूँ कि देख करके मुझे भी लालच आ गया है कि सब कुछ आपने दे डाला है तो मुझको क्या मुझे कुछ तो भक्ति दे मेरा कल्याण कर दो हे नाथ परम दयालु। भक्ति प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में, तो भगवान ने कहा तथास्तु, तो कहा महाराज रुको अभी काम नहीं बना है, निर्भराम में अतिताराम तैल धारावत, जैसे तेल की धारा नहीं टूटती तैसी भक्ति बनी रहे, भक्ति वही है सतत भक्ति उसे कहते हैं, उसे भी जो है तेषाम सतत युक्ताराम सतत भक्ति, तो कहा उसको ठीक है उसको कहना और महाराज को कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, मन से कामादि दोष इनको निकाल दीजिए, नहीं ये तो फिर पटक देंगे आपकी भक्ति करने में, सब बाधक है सब राम भक्त के बाधक, इसलिए महाराज इनको दे कहीं इनको भी हटाया, कहीं कहीं तुलसी अब तुम हमारे हो गए, हम
अब तुलसी तुम हमारे हो गए, मैं तुम्हारा हो गया। अब तुम्हारा काव्य दिग्दक तीनों लोग चौदह भुवनों को आनंदित करेगा, मंगलमय करेगा, तुम्हारा यश बढ़ेगा और हमारी वास्तव में हमारी भक्ति का जो परम जो है लाभ, परम शोध, परम ज्ञान वो सभी सभी को मिलेगा। किसी भी स्थिति में हो, देव दानव यक्ष किन्नर देव मनुष्य सबको प्राप्त होगा।